हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है विजय कुमार और मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली ये बात करने वाले हैं कि बीगो वीडियो में लाइव का ऑप्शन कैसे पाएं। तो गाइज, अगर आप भी लाइव ऑप्शन के लिए परेशान है तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जो ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला, अगर इस ट्रिक को आप स्टेप बाई स्टेप फॉलो करते तो फिर 100% आप लाइव का ऑप्शन पा सकते हैं। तो गाइज, ये एकदम न्यू ट्रिक है, इस ट्रिक को आप फॉलो करें फिर लाइव का ऑप्शन आप 100% आप पा सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे क्यों फिर कैसे यहाँ पे लाइव का ऑप्शन की पाना, फिर कैसे क्या करना, इस वीडियो आपको पूरी जानकारी दूंगा। और इस वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए फिर और आप लाइव का ऑप्शन पा सकें। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको जो यहाँ पे एक लाल बटन का आइकन दिखाई दे रहा है इसको दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बगल में आपको ये बेल आइकन दिखाई दे रहा है इसको भी दबा लें, और उसके बाद ऊपर में और लिखा हो इसको भी सिलेक्ट कर लें। और गाइस, मेरे चैनल को आपको यहाँ पे अगर आप फिर एक बीगो यूज़र है तो फिर आपके लिए बहुत ही फायदा होगा मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करने से, क्योंकि मैं अपने चैनल पे वीगो वीडियो से रिलेटेड हर आने के अपडेट के फिर यहाँ पे वीडियो डालता हूँ। कोई भी नया अपडेट आता है वीगो वीडियो का तो सबसे पहले अपने आईडी पे डालता हूँ अपने चैनल पे। तो गाइस, यहाँ पे फिर मुझे अगर वीगो यूज़र है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, आपके लिए बहुत ही फायदा होगा और फिर यहाँ पे वीगो वीडियो की हर जानकारी आपको मिलेगी। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे अपना वीगो वीडियो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो अपन देख सकते गाइस, यहाँ पे हमारा फिर वीगो वीडियो ओपन हो रहा है, यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे देख अपना फिर यहाँ पे आईडी पे चलते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मेरी आईडी आर विजय दिल से। तो गाइस, मेरा यहाँ पे मेरा अकाउंट भी वेरीफाइड हो चुका है, यानी कि मेरा यहाँ पे एक साल हो चुका है वीडियो बनाते हुए वीगो में, और मेरा अच्छा खासा यहाँ पे फॉलोअर्स भी है, अर्निंग भी हो चुकी है यहाँ से, और मेरा अकाउंट भी यहाँ पे वेरीफाइड हो गया, यानी कि 15-16 दिन हो चुका है मेरा अकाउंट वेरीफाइड हुए। तो गाइस, आप बात करते हैं यहाँ पे फिर आपको लाइव ऑप्शन आपको पाना कैसे है। तो गाइस, यहाँ पे फिर नए वीगो ने नया ही यहाँ पे फिर नया फिर सिस्टम यहाँ पे यानी कि लॉन्च किया वहाँ पे फिर यानी कि नया वहाँ पे अपडेट आया है। तो गाइस, उसको फिर आपको कैसे लाइव का ऑप्शन पाना है, तो सिंपली आपको अब यहाँ पे सेटिंग के बटन पे आपको जाना है। सेटिंग में बटन के जाने के बाद गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हो रहा है फीडबैक एंड हेल्प। तो गाइस, यहाँ पे जैसे इसको आप क्लिक करते हैं सिंपली, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे बहुत ही सारे यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे यानी कि वो फीडबैक के लिए अपने हेल्प के लिए यहाँ पे शो होता है। तो गाइज, यहाँ पे अपने को करना क्या, यहाँ पे देख सकते जरा सा यहाँ पे नीचे आते, नीचे आने के बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो के नीचे लाइव। तो गाइज, यहाँ पे सिंपली क्या करना, आपको सिंपली यहाँ पे टच करना होगा। तो गाइज, यहाँ पे जैसे टच करते हैं यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आता अप्लाई फॉर लाइव ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पे यानी कि तीन ऑप्शन, तो उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट में जो यहाँ पे लिखा हो रहा अप्लाई फॉर लाइव ऑप्शन, तो सिंपली गाइज इसको आपको क्लिक करना होगा। तो गाइज, यहाँ पे जैसे क्लिक करते गाइज यहाँ पे उसका यहाँ पे ऊपर की साइड में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बता दिया कि आपको कैसे यहाँ पे लाइव का ऑप्शन मिलेगा। तो गाइज, ये यानी कि यहाँ पे कुछ कंट्रीज में अभी फिर यानी कि है, लेकिन गाइज यानी कि इंडिया में 95% लोगों को यानी कि लाइव का ऑप्शन मिल चुका है। और गाइज, अगर आप बहुत दिनों से वीगो वीडियो यूज़ करें अगर फिर आपको भी लाइव का ऑप्शन नहीं मिला है और आप परेशान हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जो आपको मैं बताने वाला हूँ उसको आपको जो फॉलो करना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो गाइज, यहाँ पे इसको पढ़ लेना। तो गाइज, इसमें यह है कि यानी कि आपको बेस्ट क्वालिटी के वीडियोस बनाने होगा, यानी हाई क्वालिटी। तो गाइस, करना क्यों, अगर आप वीडियो बनाते जैसे तैसे बना देते उसके बाद क्या होता है, क्वालिटी ना ही अच्छा रहता है ना ही वीडियो अच्छा रहता है। तो गाइस, आपको क्या करना होगा, क्रिएटिव वीडियो यानी कि उसके बाद आपको यूनिक वीडियो बनाना होगा, यूनिक वीडियो के साथ साथ उसके बाद आपको अपने वीडियो की क्वालिटी पर भी ध्यान देना है। तो गाइस, आपको अपने वीडियो की क्वालिटी को भी पूरा हाई रखना, ताकि यानी कि अपने आपके फिर अपना आपका फेस क्लियर आए फिर और अच्छे से यानी कि आपको फिर वीडियो अच्छा देखने में लगे, ऐसा यूनिक वीडियो बनाना, फिर अपना वीडियो की क्वालिटी को हाई रखना है। तो गाइस, आपको करना क्या होगा सिंपली, तो सिंपली आपको करना क्या, बैक यहाँ आना, बैक आने के बाद करना क्या होगा, सिंपली अपने अकाउंट का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो सिंपली जैसे मैं यहाँ पे अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद गाइस, आपको करना क्या होगा, सिंपली यहाँ पे सेटिंग के बटन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको जाना होगा फीडबैक एंड हेल्प पे, फिर से यहाँ पे जाना होगा, उसके बाद आपको करना होगा फिर से यहाँ पे लाइव के ऑप्शन पे, आपको लाइव के ऑप्शन पे जाना होगा। सिंपली यहाँ पे लाइव पे क्लिक करते हैं। लाइव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से ले यहाँ पे अप्लाई फॉर लाइव ऑप्शन, तो गाइस इसे आप अपने लाइव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ का आप नीचे की साइड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हो रहा है सेंड फीडबैक। तो गाइस, यहाँ पे इसको सिंपली टच करना है। तो टच करने के बाद गाइज, आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दो यहाँ पे सेंड के नीचे यहाँ पे लिखा हो रहा है दो, यहाँ पे दो, एक गैलरी का है और फिर एक यहाँ पे ड्राफ्ट का शायद है। तो गाइज, इसको यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन जो बना रहा है इसको सिंपली टच करना है।
टच करने के बाद गाइज यहाँ पे तीन ऑप्शन आएगा, तीन ऑप्शन आपको सर्च कर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट फॉर गैलरी गैलरी, यहाँ पे सिंपली इसको टच करना है। टच करने के बाद गाइज आपको करना क्या, जिसको आपने फिर यहाँ पे क्या बोल जिसने यानी कि फिर आपको आपने जो अपने अकाउंट का स्क्रीन शॉट लिया है उसको सिंपली आप इसको टच कर लें, यानी कि आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको करना क्या होगा, तो गाइज यहाँ पे आपको करना क्या होगा तो सिंपली यहाँ पे आपको टाइप कर देना, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे लिखना क्या है। तो यहाँ पे लिखना होगा यहाँ पे प्लीज गिव मी तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ पे प्लीज़ गिव मी लाइव ऑप्शन, आई वेरी हार्ड वर्क इन बीगो, सो प्लीज़ गिव मी लाइव ऑप्शन, थैंक यू। तो गाइज यहाँ पे आपको फिर इसी टाइप से यहाँ पे आपको लिख लेना है। लिखने के बाद गाइज आपको करना क्या होगा, सिंपली यहाँ पे लिखा हो ईमेल और मोबाइल नंबर। तो गाइज यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अपना ईमेल आईडी यानी कि अपने ईमेल आईडी यानी कि जिससे आपने अपने बीगो अकाउंट बनाया है उसको यहाँ पे अपना डाल देना। डालने के बाद गाइज आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सिंपली आपको सेंड के बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो गाइज जैसे आप सेंड के बटन पे क्लिक करते गाइस आपको क्या होता है कि सेंड हो जाता है, और फिर आपको यहाँ पे क्या होता है कि आप वो जब आपको यहाँ पे फीडबैक देते हैं तो गाइस आप फिर वहाँ पे बीगो के बीगो ऑफिस से लाने की बीगो ऑफिस में चला जाता है। चले जाने के बाद गाइस अगर वो आपके फीडबैक को देखते हैं और आपकी आईडी को चेकआउट करते हैं, गाइस अगर आपने अच्छी तरीके से वीडियो बनाया होगा तो आपको लाइव का ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइस अगर आप अच्छी तरीके से वीडियो बनाने के बाद आपको यहाँ पे 5 से 10 बार आपको फिर फीडबैक देना है, तो क्यों अगर आप ज़्यादा यहाँ बीगो पे क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक है इसीलिए अगर आप ज़्यादा फीडबैक देंगे तो आपको फिर यहाँ पे बार बार वहाँ पे शो होगा, फिर आपके यानी कि आपके फीडबैक को ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो क्या करना होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिर यहाँ पे आपको फिर यानी कि फीडबैक देना होगा, और उसके बाद आपको फिर आपकी आईडी को चेकआउट होगी, उसके बाद आपको लाइव का ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइस आपको अच्छी तरीके से वीडियो बनाना होगा, क्वालिटी को हाई रखना होगा, अच्छी क्रिएटिव वीडियो यानी कि यूनिक वीडियो बनाना होगा। तो गाइस इसी तरह फिर जिस तरह मैंने बताया इसी को फॉलो करें, उसके बाद आप 100% लाइव का ऑप्शन पा सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें कि मुझे अंदर से मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँ। तो गाइस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।